हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। किन्नर, जिसे सदियों से समाज तिरस्कार भरी नजरों से देखता रहा है, उन्हें न तो बराबरी का दर्जा मिलता है और न ही किसी प्रकार का विशेषाधिकार। हालांकि कुछ समय पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से देश में थर्ड जेंडर का दर्जा मिला है, लेकिन इसके पीछे भी उनकी लंबी लड़ाई की कहानी छुपी है। बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे समाज का हिस्सा होते हुए भी इस फैसले से पूर्व उन्हें किसी भी श्रेणी में गिना तक नहीं जाता था। दरअसल प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन है तो इसी समाज का हिस्सा ही नहीं। शायद यह बात हम भूल जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रकृति ने बड़ी सुंदर रचनाएं की है। सुंदरता भी उनमें से एक है। हमारी स्टोरी के माध्यम से मिलिए एक ऐसे किन्नर से जो भारत की सबसे सुंदर किन्नर मानी जाती है। जी हाँ, बीते कुछ समय से सोशल मीडिया इस किन्नर की तस्वीरें वायरल हो रही है। YouTube पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ये दावा किया गया है कि यह दुनिया का सबसे खूबसूरत किन्नर है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी बताया गया है कि इसके सामने बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। इसकी वायरल फोटो देखकर आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे जानिए कहां की रहने वाली है ये किन्नर और क्या है इसका नाम। बता दें, यह किन्नर मणिपुर की रहने वाली है। इसका नाम हुईरेम बताया जा रहा है। हुईरेम की खूबसूरती इतनी आकर्षक है कि उनके सामने बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी फीकी पड़ जाएं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुईरेम ने थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। बताया जाता है कि यह प्रतियोगिता केवल किन्नरों के लिए रखी जाती है। इस कॉन्टेस्ट में 28 साल की हुईरेम के अलावा बाकी देशों के 54 और ट्रांसजेंडर आए थे। फैशन में ग्रेजुएट हुईरेम मणिपुर फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कलाकारों में से एक है। हुईरेम मणिपुर की शुमंगलीला में हिस्सा लेकर मशहूर हुई हैं। उसमें महिलाओं के रोल पुरुष करते हैं। आज हुईरेम का नाम पॉपुलर हो चुका है कि जब भी मणिपुर की खूबसूरती की बात की जाती है तो हुईरेम का नाम भी लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह न्यूज पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।